क्या बात है, आप अचानक गाड़ी में आकर बैठी और अचानक गाड़ी रोकने के लिए कह रही हैं? कौन था वो बदमाश? वो बदमाश नहीं, जरा बोर था। मैं उसी से बचने के लिए आपकी गाड़ी में आके बैठ गई। मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। ऐसी क्या बात है, आपको घर तक छोड़ देता हूँ ना? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे क्या हुआ? दर्द। दर्द? कैसा दर्द? दिल, दिल का दर्द, बार बार दौरा पड़ जाता है। ओह माय गॉड। सब डॉक्टरों का कहना है कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मैं अभी पास में से डॉक्टर को बुला लाऊंगा। नहीं, इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। जरा सा पानी मिल जाएगा तो मैं अपनी दवा खा लूंगा। आप घबराइए नहीं, मेरा घर यही नजदीक है। थोड़ी देर आराम करने से आपकी तबीयत संभल जाएगी। चलिए। आपका घर नजदीक में है? जी हाँ। चलिए। हाँ तो वहीं चलते हैं। संभालिए। मेरे दिल का दर्द। आप यहाँ बैठिए, मैं भी पानी लेकर आई। पानी की जगह कोई गर्म चीज मिल जाए तो दवा असर जल्दी करेगी। ठीक है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? घर में और कोई नहीं है क्या? जी नहीं, बस एक जूनी है, वो सुबह से छुट्टी लेकर कहीं बाहर गई है। ओह, तो ठीक है, चाय 2 कप ले आइए। 2 कप? मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ बैठ के चाय पिए। हो सकता है कि यह चाय मेरी जिंदगी की आखिरी चाय हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। यू विल बी ऑल राइट। मैं भी आई। दिल का दर्द तो एक दिन मेरी जान ही ले लेगा। आप अकेली रहती हैं, आपको किसी से डर नहीं लगता? पास पड़ोस के लोग इतने अच्छे हैं कि अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता। अगर कोई बुरी नियत वाला इंसान घर में घुसा है तो मेरी एक आवाज पर सब लोग जमा हो जाएंगे। ओह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आवाज निकालने का मौका ही नहीं मिलता। लीजिए, क्या लीजिए? ये तस्वीर आपकी है? हाँ? कितनी अच्छी तस्वीर है, कितनी खूबसूरत लग रही है आप। चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो, खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। आपका दर्द ठीक हो गया? बेटर है, चाय पियूंगा तो शायद ठीक हो जाए। अब आप जैसा हमदर्द मिल जाए तो मरने को जी नहीं करता है। चीयर्स, आने वाले अच्छे दिनों के लिए। आप चाय पियो ना। जी। मैं ठीक वक्त पर आ गया, आज मुजरिम को साथ लेकर ही जाऊंगा। मुजरिम? कौन मुजरिम? तुम। मेरी बीवी के नजरों में तुम मुजरिम हो। पिछले हफ्ते तुम हमारी बीवी के बर्थडे में नहीं आई थी ना? सॉरी भैया, वो बात। सफाई पेश करनी हो तो चलकर अपनी भाभी के सामने पेश करो, उसका हुक्म है कि मैं तुम्हें क्लोज अरेस्ट करके इसी वक्त घर ले चलूं। चलो। मगर वो बात ये कि वगर मगर क्या, आई जी का हुक्म टाला जा सकता है, श्रीमती जी का नहीं। चलो। आप पहले चाय तो पी लीजिए। थैंक यू। अगर बीवी के बाद कोई कमजोरी है तो चाय। अरे ये चाय इनके लिए है। तो क्या हुआ, इसमें कोई खास बात है क्या? ये हमारे घर चलकर चाय पी लेगी। अरे ये कौन है, इन्हें तो मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। ये मिस्टर शेखर हैं, अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मुझे चक्कर आ गए थे, मुझे दिल की बीमारी है ना। ठीक है, आप चलकर मेरी जीप में बैठिए। आपकी तबीयत खराब है ना, मैं अपने डॉक्टर से चक्कर आता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं,
मैं अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा दूंगा। मैं चलता हूँ, बाय। बाय। नमस्ते। बाय। इनकी तबीयत सचमुच खराब है या मुझे देखकर खराब हो गई थी? तुम पुलिस वालों से तो भगवान ही बचाए, हर एक पे शक करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग गाइड। उतरिए, फौरन उतर जाइए। आज ये पूरी बात किसी प्राइवेट पार्टी ने बुक कराई है। प्राइवेट पार्टी? कौन प्राइवेट पार्टी? है बॉम्बे के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी पूरी फैमिली। चलिए उतरिए। बॉम्बे के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट? आपका मतलब सक्सेना फैमिली से तो नहीं है? सक्सेना? जी हाँ, वही सक्सेना फैमिली। मगर सक्सेना फैमिली तो बहुत ही छोटी फैमिली है। एक दादा और एक पोता है, और पोता जो है बहुत ही नेक, हैंडसम और जिंदा दिल लड़का है। आप जानती हैं उसे? मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं, आप फौरन नीचे उतर जाइए। टेक इट इजी मैडम, टेक इट इजी। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। वैसे आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि वो पोता मैं ही हूँ। जी जी, और ये सारी बस मैंने ही बुक की है। क्या? जी हाँ, ये देख लीजिए, ये टिकट देख लीजिए, डेट तारीख सब चेक कर लीजिए। और ये भी देखिए, ये बस सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल, परसों और उसके बाद नर्सों और उसके बाद और उसके बाद सिर्फ मेरे लिए ही बुक। चेक कर लीजिए। अब आप मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगी? चलो ड्राइवर। अरे 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 अरे, अब मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगी आप? ओ शट अप। आप चुप क्यों हैं मिस माथुर? आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए तो मैंने पूरी बस बुक की है। समझ में नहीं आता आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। नहीं समझी? अभी नहीं समझी? जरा मेरी आंखों में देखिए, ये आंखें आपके हसीन चेहरे के सिवा और कुछ नहीं देखना चाहती। और मेरे ये जो कान है ना, आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए बेचैन है। आप मेरी मीठी आवाज सुनना चाहते हैं ना? सुनिए। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सोना माथुर, योर गाइड स्पीकिंग। हर साल जब गर्मियों की तेज धूप चट्टानों को पिघलाने लगती, शहंशाह जहांगीर और नूर जहां बस, बस 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 बस, आप बंद भी कीजिए लेक्चर। क्यों? आपने तो मेरी मीठी आवाज सुनने के लिए पूरी बस बुक की थी ना? जी। क्या आपको इन रटी रटाई लाइनों के सिवा और कुछ नहीं आता? जी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। शहंशाह जहांगीर मलका नूर जहां को चाहता था। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि एक शहंशाह एक मलका को चाहता था, बल्कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो दोनों प्रेमी थे। इम्पोर्टेंट बात प्रेम है। चाहे वो जहांगीर का नूर जहां से हो, शाह जहां का मुमताज महल से हो, मजनू का लैला से हो, हीर का रांझा से हो, और मुझ जैसे छोटे आदमी विजय का सोना से हो। ओ, ओ। प्यार आखिर प्यार होता है, और मेरा भी प्यार किसी जहांगीर, शाहजहां, हीर, मजनू से कम नहीं। अरे ठीक है, मत सुनिए, लेकिन मैं कहूंगा, चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, बार बार कहूंगा कि विजय सोना से प्यार करता है, विजय सोना से प्यार करता है, विजय सोना से प्यार करता है, विजय सोना से प्यार करता है। अंकल, आंटी क्यों कान बंद करके बैठी हुई है? आंटी, तुम्हारी आंटी को मैं कहानी सुना रहा था, शायद उनको पसंद नहीं आई। कैसी कहानी? प्रेम कहानी। प्रेम कहानी? किसको प्रेम हुआ था, किसके साथ? एक इंसान को प्रेम हुआ था एक खूबसूरत परी से। तो फिर हमें भी सुनाइए ना वो कहानी। सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। अच्छी बात, तुम सब मिलकर 1 2 3 बोलो और हम शुरू हो जाते हैं।